नमस्कार, गौरव मिश्रा फॉर आईएएस में आपका स्वागत है। इकोनॉमी का ये हमारा 11वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने निर्धनता का टॉपिक शुरू कर दिया था और उसमें हमने निर्धनता की परिभाषा और निर्धनता को मापना क्यों जरूरी है ये हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे निर्धनता के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ पुअर्टी। तो टाइप्स ऑफ पुअर्टी में निर्धनता दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एब्सोल्यूट पुअर्टी, जिसे हम निरपेक्ष निर्धनता कहते हैं, और दूसरी होती है सापेक्ष निर्धनता, जिसे हम रिलेटिव पुअर्टी कहते हैं। निरपेक्ष निर्धनता वही होती है, इसकी परिभाषा वही है जो मैंने आपको निर्धनता की परिभाषा बताई है। वो परिभाषा क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो वह व्यक्ति निर्धन कहलाएगा। ठीक है, तो निरपेक्ष निर्धनता की परिभाषा आपको समझ में आ गई। अब निरपेक्ष निर्धनता का जो आकलन है वो निर्धनता रेखा के संदर्भ में किया जाता है। देखिए, ये एक एब्सोल्यूट पुअर्टी है, तो एक पैमाना सेट कर दिया जाता है कि इसके नीचे हैं वो सभी लोग निर्धन माने जाएंगे। ठीक है, तो एक पैमाना जब सेट हो गया तो ये निरपेक्ष निर्धनता हो गई। ठीक है, तो निर्धनता रेखा आपने जो ना न्यूज़पेपर वगैरह में कई बार सुना होगा और न्यूज़पेपर में निकलता भी रहता है। वर्ष 2011-12 में जब निर्धनता रेखा का आकलन किया गया था तो उस टाइम काफ़ी हल्ला भी मचा था। तो वो हमारे देश में निरपेक्ष निर्धनता के निर्धनता रेखा के संदर्भ में निरपेक्ष निर्धनता को मापा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा जो है सापेक्ष निर्धनता। ये शब्द से ही पता चल रहा है, रिलेटिव पुअर्टी, कि यहाँ पर तुलना की जा रही है। तुलना विभिन्न देशों के बीच, समूहों के बीच, वर्गों के बीच, उनके आय और व्यय में क्या अंतर है। ठीक है, तो जैसे ये मान लीजिए कि ये एक ग्रुप है, ग्रुप ए, और एक ग्रुप है, ग्रुप बी। तो इसका आय और व्यय अगर ज़्यादा है इसकी तुलना में, तो ये बी ग्रुप के लोग ए ग्रुप के लोगों की तुलना में निर्धन माने जाएंगे। ठीक है, तो रिलेटिव पुअर्टी क्या हो गई, विभिन्न देशों, समूहों, वर्गों आदि के आय व्यय के अंतर के संदर्भ में सापेक्ष निर्धनता मापी जाती है। अब जब मैंने यहाँ पर दो वर्गों की तुलना की है तो आपको ये भी समझ में आ गया कि जो सापेक्ष निर्धनता है वो असमानता को दर्शाती है। क्लियर है, अब आगे देखते हैं। देखिए, आज के टॉपिक में कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं नहीं, फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं। जहाँ पर समझाने की ज़रूरत होगी मैं समझा दूंगा, वरना आप स्लाइड्स को देखते रहिए। इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए या सुन लीजिए। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स भी आपको आने चाहिए। अब मैंने बताया कि निरपेक्ष निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता, ये दो मैंने निर्धनता के प्रकार बता दिए। अब अल्प विकसित और विकासशील जो देश होते हैं और विकसित देश, इनमें जो है ना कौन सी निर्धनताएं पाई जाती हैं। देखिए, सबसे पहले इस पॉइंट को देखिए, विकसित देशों में निरपेक्ष निर्धनता नाम मात्र की होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि विकसित देशों में मूलभूत आवश्यकताएं लगभग प्रत्येक व्यक्ति की पूरी हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ना वहां पर निरपेक्ष निर्धनता नाम मात्र की होती है। जबकि अल्प विकसित देशों और विकासशील देशों में तो मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करना मुश्किल होता है, तो यहाँ पर निरपेक्ष निर्धनता होती है। सापेक्ष निर्धनता तो वो दोनों जगह होगी, अल्प विकसित देशों और विकासशील देशों में तथा विकसित देशों, दोनों टाइप के देशों में सापेक्ष निर्धनता होगी। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं भारत में निर्धनता का मापन। मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि किसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों या उसके द्वारा जो विधि बताई जाती है, उस विधि का प्रयोग करके नीति आयोग जो है एनएसओ से जो आंकड़े मिलते हैं उन आंकड़ों को उस विधि में डालकर और मासिक उपभोग व्यय के आधार पर निर्धनता का मापन करता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाई गई विधि के मापदंडों के तहत मासिक उपभोग व्यय की जो मापदंड हैं, मतलब कि मूलभूत आवश्यकताएं को पूरी करने के लिए जो मासिक उपभोग व्यय है, उन उपभोग व्यय के आंकड़ों के आधार पर नीति आयोग द्वारा निर्धनता का मापन किया जाता है तथा निर्धनता के आंकड़े एनएसओ द्वारा दिए जाते हैं। वर्तमान में हम कौन सी समिति की विधि का यूज कर रहे हैं, जो 2009 में, 2009 से सुरेश तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति ने जो विधि बताई थी, नीति आयोग दो वर्ष 2009 में योजना आयोग था और 2014 में जब नीति आयोग आ गया तो नीति आयोग अब निर्धनता का मापन सुरेश तेंदुलकर समिति के द्वारा बताई गई विधि से कर रहा है। पुअर्टी इज मेजर्ड बाई नीति आयोग बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड द पुअर्टी डाटा इज रिलीज्ड बाई नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स ऑफ द मैथड सजेस्टेड बाई एन एक्सपर्ट कमिटी। द मैथड सजेस्टेड बाई सुरेश तेंदुलकर कमिटी इज करेंटली इन यूज। अब नेक्स्ट देखते हैं कि
कि निर्धनता को मापने के लिए जो विधि है, उस विधि को बताने के लिए कई एक्सपर्ट कमेटी अभी तक गठित की जा चुकी हैं, जिनमें सबसे पहली एक्सपर्ट कमेटी थी जो 1979 में वाई के अलग समिति गठित की गई थी। इन्होंने निर्धन अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का जो एक पैमाना था उसको क्या माना था, न्यूनतम पोषण कैलोरी की मात्रा, कि एक नियत कैलोरी की मात्रा को प्राप्त करने के लिए जो खर्च किया जा रहा है उस खर्च के आधार पर जो है ना आंकड़े इन्होंने आंकड़ों को लेकर और विधि बताई थी, ठीक है, बेस्ड ऑन द एक्सपेंडिचर ऑन मिनिमम न्यूट्रिशन, ठीक है, या कैलोरी इनटेक। अब उसके बाद 1993 में फिर एक दूसरी समिति आई, लकड़ावाला समिति। लकड़ावाला समिति द्वारा भी निर्धनता रेखा का मापन लगभग न्यूनतम पोषण के आधार पर ही किया गया, बस थोड़ा सा उनका दायरा थोड़ा विस्तृत हुआ, लेकिन इनका भी जो मेन जो था वो न्यूनतम पोषण यानी कि मिनिमम कैलोरी जो रिक्वायर्ड है उस पर जो खर्च किया जा रहा है उसी के आधार पर किया गया था, ठीक है। उस टाइम पे ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने जो अपने जो डाटा दिया था कि पर डे कितनी कैलोरी एक व्यक्ति को चाहिए, तो उसके आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो डाटा था, ग्रामीण क्षेत्रों में था 2400 किलो कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, और शहरी क्षेत्रों में 2100 किलो कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन था। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर अंतर क्यों है, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो शारीरिक श्रम और की ज़्यादा जरूरत पड़ती है किसानी खेती में, तो इसलिए वहाँ पर जो है लकड़ावाला ICMR ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 किलो कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन किया था, और शहरी क्षेत्रों में 2100 किलो कैलोरी पर पर्सन पर डे सेट किया था। फिर उसके बाद फिर ये देखते हैं कि सुरेश तेंदुलकर समिति, ये यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड क्या है ये मैं आपको बताऊंगा आगे, पहले सुरेश तेंदुलकर समिति देख लेते हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया 2009 में, ठीक है, तो हमारी पहली समिति कब गठित हुई थी, 1979 में, फिर दूसरी हुई 1993 में, और तीसरी हुई 2009 में। इस समिति ने जो है ना निर्धनता का मापन पोषण पर व्यय के आधार पर ना करके कुछ आवश्यक खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं की एक टोकरी पर किए जाने वाले व्यय के आधार पर किया। पुअर्टी वॉज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ए बास्केट ऑफ सम इसेंशियल फूड एंड नॉन फूड आइटम रैदर देन ऑन द एक्सपेंडिचर ऑन न्यूट्रिशन। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो मूलभूत आवश्यकता हैं, मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं वो एक जिसे हम कहते हैं कि गुणात्मक पहलू है, ठीक है, तो मूलभूत आवश्यकताओं को डिफाइन करना थोड़ा सा टफ होता है इस समय पे लिए के लिए, जब हमारे पास देश में संसाधन बहुत सीमित थे इस समय, तो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं केवल एक पोषण को ही रखा गया। 1993 में भी हम इतना डेवलप नहीं हो पाए थे, तो भी पोषण और पोषण का स्तर थोड़ा सा विस्तृत किया गया, लेकिन हमने उससे ज़्यादा हमने पैमाना सेट नहीं किया गया। लेकिन वर्ष 2009 में जब हमारी इकॉनमी ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया, तो हमने मूलभूत आवश्यकताओं का स्तर थोड़ा सा बढ़ा दिया, हमने एक कमोडिटीज़ की एक बास्केट क्रिएट की, ठीक है, और उस बास्केट में कुछ फूड आइटम थे, ठीक है, और प्लस कुछ जो गैर खाद्य आइटम थे, ठीक है, नॉन फूड। तो अगर ये बास्केट को पाने के लिए जितना खर्च किया जा रहा है उस खर्च के आधार पर जो है ना सुरेश तेंदुलकर समिति ने अपनी अपनी विधि सुझाई थी, ठीक है, और यह मिश्रित समयावधि पर आधारित थी। इस विधि में वस्तुओं को दो समूहों में बांट दिया गया, क्योंकि कुछ पर व्यय आवश्यकता पड़ने पर या किसी विशेष अवसर पर ही होते हैं। अब जरा इस चीज को हम डिफाइन कर देते हैं ठीक से। देखिए अब आपको पहले यह बताना जरूरी है कि मिक्स्ड रिकॉल पीरियड और यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड क्या है। देखिए यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड क्या है, कि जो हमारे जो पैमाना सेट किया गया था उस पैमाने पर 30 दिन का व्यय, ठीक है, 30 दिन के व्यय का जो है ना 30 दिन में जितना व्यय हुआ है उस व्यय को ही लिया गया, तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। मतलब 30 दिन के अंदर आपको 1 महीने में उतना व्यय, उस जरूरत भर की चीज़ों का व्यय करने के लिए अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो आप निर्धन नहीं है, अगर आपके पास उससे कम पैसा आ रहा है तो आप निर्धन है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड क्या होता है, कि अब सुरेश तेंदुलकर समिति ने एक बास्केट बना ली, ठीक है, अब उस बास्केट में क्या होगा कि कुछ फूड आइटम, इस बास्केट में कुछ फूड आइटम है और कुछ नॉन फूड आइटम है, ठीक है, तो अब इसमें फूड आइटम पे तो कंटिन्यू पर मंथ पर डे खर्च होना ही होना है, लेकिन नॉन फूड आइटम में कुछ ऐसे आइटम होंगे जिन पर आप डेली खर्च नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके वो हो गया आइटम वस्त्र हो गया, आपका फुटवियर हो गया, ड्यूरेबल आइटम जैसे कुर्सी मेज पलंग ये सब हो गई, गृहस्थी का सामान हो गया, ठीक
ठीक है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो इन पर जो है ना आप हमेशा खर्च नहीं करते हैं, ठीक है। अब जैसे गृहस्थी का सामान है, सिलेंडर है, गैस है, अगर किसी को लेना है तो वो एक बार ले लेगा, वो बार बार नहीं लेगा, तो इसलिए इन वस्तुओं पे जो खर्च होता है उसको हम उसका जो हम खर्च का जो हम जो पैमाना लेते हैं वो लेते हैं कि आपको एक वर्ष में आपने इन सारी पांच वस्तुओं पर कितना खर्च किया। एक तो वस्त्र हो गया, फुटवेयर हो गया, ड्यूरेबल हो गया, और शिक्षा और यानी एजुकेशन हो गया, और हेल्थ हो गया। तो इन पांच आइटम्स में आपने एक साल में कितना खर्च किया है, उस खर्च के आंकड़े को इसमें लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, ठीक है। तो उन्होंने पहले क्या किया कि सुरेश तेंदुलकर समिति ने पहले समूह में एक वर्ष में जो इन ये जो नॉन नॉन फूड आइटम है इनमें एक वर्ष में कितना खर्च हो रहा है इसको ले लिया, ठीक है। उसके बाद दूसरे समूह की जो वस्तुएं थी, जो फूड आइटम्स थे, उनमें जो ना 30 दिन का 30 दिन में कितना व्यय किया जा रहा है उसको ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर जो ना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग निर्धनता रेखा निर्धारित की उन्होंने, ठीक है। शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उन्होंने कितनी निर्धनता रेखा निर्धारित की, 27 रुपये, और शहरी क्षेत्रों के लिए 32 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक है। और ये वर्ष 2011-12 के मूल्यों के आधार पर है, ठीक है, क्योंकि वर्ष 2011-12 में ही इतना लार्ज स्केल जो है ना सर्वे किया गया था, उसके बाद नहीं किया गया। अब लेकिन आप बोलोगे कि आज ये 27 रुपये 32 रुपये क्या आज भी हैं? नहीं, क्योंकि अब चूंकि जो है ना मूल्यों का दाम मतलब वस्तुओं का मूल्य है वो बढ़ता घटता रहता है, और हर साल जो है ना इन्फ्लेशन भी आता रहता है, तो इसलिए जो है ना जो निर्धनता रेखा के जो आंकड़े हैं, ये जो जो इनका मान है, इनको CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर जो इन्फ्लेशन होता है उसके साथ इसे जो है ना इंडेक्स कर दिया गया है। यानी कि आपका जो है ना ये जो आपके 32 रुपये और 27 रुपये हैं, ये एक साल में मतलब कि अब 2011-12 में थे, अब 2012-13 में जितना इन्फ्लेशन आया तो CPI के आंकड़ों पर उस इन्फ्लेशन के साथ इसे सूचीबद्ध कर दिया गया। मान लीजिए अगर 10% आया तो 32 रुपये में 10% अगर हम जोड़ेंगे तो ये 35 रुपये लगभग ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कब हो जाएगा, 2012-13 के लिए। फिर 2014-15 में जो इन्फ्लेशन रहेगा उस इन्फ्लेशन के हिसाब से इसमें जो है ना उतना पैसा बढ़ा दिया जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि इसको जो है ना जो सुरेश तेंदुलकर समिति ने जो विधि बताई थी उसके आधार पर जो निर्धनता रेखा जो निर्धारित की गई थी वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वर्ष 2011-12 के मूल्यों पर 27 रुपये, और शहरी क्षेत्रों के लिए वर्ष 2011-12 के मूल्यों पर 32 रुपये। आज लगभग अगर इन्फ्लेशन देखें तो तब से लेकर अभी तक लगभग 50% का इंक्रीज हो चुका है। तो 50% का इंक्रीज हो गया, तो आप शहरी क्षेत्रों के लिए आप ये समझ सकते हैं कि आज लगभग 48 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, ठीक है। और वही अगर आप इसको 50% के हिसाब से देख लें तो ये लगभग 40 रुपये शहरों ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहा है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक है। तो वर्तमान में ये स्थिति है, ठीक। अब आगे देखते हैं, अब निर्धनता अनुपात किसे कहते हैं, हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो होता है कि निर्धनों की प्रतिशत संख्या, इसे एच से दर्शाते हैं, ठीक है। किसी भी देश में या पूरे विश्व में कितने प्रतिशत लोग निर्धन है, तो इसको हम जो है ना क्या कहते हैं इंग्लिश में, हेड काउंट रेशियो या निर्धनता अनुपात, ठीक है। और इसे हम डिफाइन किससे करते हैं, एच से, ठीक है। तेंदुलकर समिति की विधि के अनुसार वर्ष 2011-12 में निर्धनता अनुपात कितना था, 22%, यानी हमारे देश की जनसंख्या का 22% हिस्सा निर्धन था, ठीक है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता अनुपात कितना था, 21.3%। यानी कि विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2011-12 में, विश्व बैंक क्या कह रहा है कि वर्ष 2011-12 में आपके यहाँ 21.3% जनसंख्या निर्धन थी, और जबकि तेंदुलकर समिति कह रही है कि आपके यहाँ हमारे यहाँ 22% लोग निर्धन थे। तो इन आंकड़ों में अंतर क्यों है, देखिए दोनों विश्व बैंक और तेंदुलकर समिति दोनों के पैमाने अलग अलग हैं, ठीक है। दोनों ने अलग अलग पैमाने अलग अलग मानदंड लिए हैं। अगर हम इन्हीं वर्तमान आंकड़ों में अगर हम लकड़ा वाला समिति की विधि का यूज करेंगे तो फिर कुछ और आंकड़े आएंगे, ठीक है। तो मानदंड अलग हैं इसलिए इनके जो है ना निर्धनता अनुपात दोनों के अलग अलग हैं, ठीक है। और विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2011-12 में विश्व में जो थे हेड काउंट रेशियो या निर्धनता अनुपात था वो 12.8% था, ठीक है। अब वर्तमान में विश्व में निर्धनता अनुपात कितना है, ये लगभग 10% आ चुका है, ठीक है। ये जो है ये आपका जो था विश्व में था दो वर्ष 2011-12 में, ठीक है।
और ये जी जो आप इधर देखिए, 2011-12 में विश्व बैंक ने बताया है कि 12.8% विश्व की पॉपुलेशन जो है वो निर्धन है, और अभी वर्तमान में जो हम 2021 में चल रहे हैं तो ये 10% से अब कम हो गया, 10% से भी कम है, तो लगभग आप 10% इसको याद रखिए, ठीक है। तो अब जो है ना, भारत में विश्व की अपेक्षा इसका मतलब अधिक निर्धनता है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। भारत में विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार विश्व की निर्धन जनसंख्या का लगभग 1/3 भारत में रहते हैं, ठीक है। तो अब चूंकि देखिए, भारत में आप बोलेंगे कि भाई भारत का निर्धनता जो है वो विश्व बैंक के अनुसार 21.3% थी, अब उसके उसके बाद जो है ना, और विश्व में थी 12 दशमलव समथिंग, ठीक है, 12.8% थी, तो 12.8% तो ये तो लगभग दुगने से कम, ये तो दुगने से भी कम हो गया। लेकिन आप ये भी देखिए कि भारत की जनसंख्या भी तो बहुत ज़्यादा है, भारत का 21.3% बहुत सारा हो गया, ठीक है। विश्व के, भारत के तो मतलब कई सारे विश्व के देश मिला दो तो तब भी भारत नहीं बन पाएंगे जनसंख्या के लिहाज से, ठीक है। हमारे कई शहरों की जनसंख्या विश्व के कई देशों से ज़्यादा है, तो आप समझ गए ना कि भारत में जो है ना विश्व के कितने निर्धन रहते हैं, लगभग 1/3 लोग निर्धन रहते हैं, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा का मापन पीपीपी के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है, और पीपीपी के आधार पर मैंने आपको बताया $1 कितने रुपए के बराबर है, लगभग 18 रुपए के बराबर है, ठीक है। वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा जो थी $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन थी, ठीक है, तो लगभग 33 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक है। तो अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मैंने बोला है ना कि निर्धनता का आकलन पीपीपी के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है, और $1 बराबर 18 रुपए हो है, तो $1.9 बराबर कितना हो गया, लगभग 33 रुपए हो गया। तो इस हिसाब से आपको क्या समझ में आ रहा है कि विश्व की जो निर्धनता रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा है, वो भारत की जो निर्धनता रेखा है वो उससे भी कम है। अब कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, भारत की निर्धनता रेखा वर्ष 2011-12 में कितनी थी, 11-12 में हमारी थी 32 रुपए, ठीक है। और अगर अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों के ले लें तो 27 रुपए, और इनका जो भारित औसत होता है वो राष्ट्रीय निर्धनता रेखा होती है, ठीक है। तो ये लगभग मान लीजिए कि आपका ये करीब 28 या 29 रुपए के आसपास था, चलिए मान लीजिए 29 रुपए। अब ये 2011-12 है, अब हर साल कम से कम 8 से 9% जो है आपका इन्फ्लेशन इसमें लग रहा है, तो आप अगर इसको 10% भी मान के चलिए तो विश्व में जो है ना 2015 में निर्धनता रेखा कितनी है, $1.9। तो $1.9 का मतलब कितना हो गया, लगभग 33 रुपए। ये 2015 में है विश्व में निर्धनता रेखा, और भारत में 2012 में 29 रुपए है लगभग। अब अगर इसमें 10%, अगर हम 2015 तक अगर हम ये देखें कि लगभग 30% की बढ़त हो चुकी है, तो 30% की बढ़त के हिसाब से आप इसमें 9 रुपए और जोड़ दीजिए, तो 9 रुपए और जोड़ेंगे आप तो आपको ये जो है ना 29 और 9 37 रुपए हो जाएगा 2015 में। तो 37 रुपए 2015 में भारत में है, क्योंकि 2012 से 2015 तक जो है आपका 30% आपका जो है इन्फ्लेशन आया, ठीक है, इन 3 सालों में। तो ये 30% आपका लगभग 37 रुपए के बराबर हो गया, और 2015 में विश्व में कितना है, 33 रुपए। तो आप ये चीज़ समझ रहे हैं कि विश्व में जो निर्धनता रेखा है वो भारत से कम है, ठीक है, उसका जो मान है वो भारत के मान से कम है। यानी कि भारत में जो हमने 32 रुपए को लेकर जो इतना हो हल्ला वर्ष 2011-12 में मचाया था, उसकी इतनी जरूरत नहीं थी। देखिए, आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत में एक परिवार में औसतन कितने, 5 लोग होते हैं। वर्तमान में हमारा कितना है, 48 रुपए के लगभग है, ठीक है। अब 5 लोग हैं, 48 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, तो यानी कि एक घर को एक महीने में पर डे कितना पैसा चाहिए अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, 192 रुपए। और अगर हम इसको महीने का अगर देखें तो ये लगभग आपका 5,000 से 6,000 के बीच में आएगा, और ये 5,000 से 6,000 रुपए के बीच में वर्तमान में ये आपका लगभग 6,500 रुपए के आसपास आएगा।
तो आप ये समझिए कि आज भी कई लोग हैं जो मात्र 5,000 रुपये में भी नौकरी करते हैं। देखिए, निर्धनता में कंफर्ट जोन नहीं होता। जब निर्धनता को हम डिफाइन कर रहे हैं और निर्धनों को हम आंक रहे हैं, तो उसमें हम उनमें उनके कंफर्ट जोन को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो रही कि नहीं हो रही। तो मूलभूत आवश्यकताएं छः हज़ार रुपये में हो जाती है, ठीक है। तो इस लिहाज से आप ये चीज़ समझिए, सॉरी मैंने यहाँ पर आपको गलत बताया, ये यहाँ पर 48 रुपये के हिसाब से ये करीब 240 रुपये के आसपास आएगा। और 240 रुपये के हिसाब से आप ये देखिए कि ये 6,000 और 1,200, ये 7,200 रुपये, ठीक है। तो 7,200 रुपये पांच लोगों का जो परिवार है, इसकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 7,000 रुपये बहुत काफ़ी है, ठीक है। क्योंकि कंफर्ट नहीं, निर्धनता को जब हम निर्धनता का आकलन कर रहे हैं तो उसमें कंफर्ट नहीं शामिल होता। मूलभूत आवश्यकताएं कि आपका भाई भोजन हो पूरा हो रहा है और कुछ जो जरूरी चीज़ें हैं वो जरूरी चीज़ें आपको मिल रही कि नहीं मिल रही, ठीक है। तो इस तरह जो है ना, हमने ये चीज़ समझ ली कि हमारी निर्धनता रेखा विश्व की निर्धनता रेखा से ज़्यादा है, ठीक है। हमारा जो मान है वो ज़्यादा है, विश्व में कम मान रखा गया है। और एक तिहाई गरीब जनसंख्या विश्व की लगभग भारत में है, क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। निर्धनता का मापन PPP के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है, और 2015 में जो लेटेस्ट अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा निर्धारित की गई थी वो $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की गई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब निर्धनता के कारण और उपाय, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको देखिए, ये बहुत ही फैक्चुअल था, मैं फैक्चुअल को क्या आपको ज़्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो आप इस सबसे बेस्ट है कि आप स्लाइड्स को रोक के आप जो है ना स्लाइड को उतार लीजिए, ठीक है, जो मैंने चीज़ें बोली हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है फैक्चुअल चीज़ों में भी, अगर आपको नहीं कुछ समझ में आया है तो आप उसको जो है ना कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको जो है ना पर्सनली बता दूंगा दोबारा से, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, निर्धनता के कारण और उपाय हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।